दोस्तों हम लोग इस क्लास के अंदर अभी बिहार एसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय जो सचिवालय सहायक का जो परीक्षा हुआ था 16 फरवरी 2015 ईस्वी को, उसमें जो प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को जीके जीएस के क्वेश्चन को हम लोग पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ देखने वाले हैं किस टाइप के उसमें प्रश्न पूछे गए थे। और उसके साथ साथ में हम आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताने का प्रयास करेंगे इस क्लास के अंदर, ताकि आने वाला जो बिहार एसएससी का तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा जो होने वाला है तो उसके लिए ये क्लास आप लोगों के लिए अति आवश्यक हो सकता है दोस्तों। इसलिए आप लोग इस क्लास के अंदर शुरू से अंत तक जरूर जुड़े रहिए। दोस्तों इस क्लास में आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल SEP बाय अभिषेक सुमन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों को इस क्लास के बारे में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों इस क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है? तो ध्यान रखिए, हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह है क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसी क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, साइलेंट वैली जो है केरल में। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा यहाँ पर, एक है साइलेंट वैली, एक है सिलिकॉन वैली। आप लोगों से पूछा जाए सिलिकॉन वैली, तो सिलिकॉन वैली जो है ये बेंगलोर के अंदर है। कहाँ पर है? बेंगलोर में। और वैसे प्रश्न में जो पूछा गया साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल के अंदर। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, गोवा किस नदी पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गोवा जो है ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे। गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया था? तो 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार किया। और पुर्तगालियों ने गोवा को छोड़कर कब गया? तो ध्यान रखिएगा, 1961 ईस्वी में गोवा को छोड़कर पुर्तगाली गए। और गोवा पूर्ण राज्य कब बना? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गोवा जो है 1987 ईस्वी में पूर्ण राज्य का दर्जा गोवा को दिया गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्का छिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? शुष्का छिकोप यानी कि घबराहट। तो ध्यान रखिएगा, शुष्का छिकोप मनुष्य में जो प्रकोप होता है किस विटामिन के कारण? विटामिन सी के कारण। विटामिन सी के कारण से ही मनुष्य के अंदर शुष्का छिकोप बीमारी होता है। अगर विटामिन सी की बात करें दोस्तों, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन जो मनुष्य के शरीर में हमेशा के लिए नहीं रहता। एक तरफ से लिया जाता है विटामिन सी और दूसरे तरफ से निकलता है। यानी कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संचित नहीं रहता है? तो विटामिन सी। सबसे अधिक विटामिन सी जो पाया जाता है वो आंवला में। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? आंवला में। खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है बाल क्षय। आप इसी को बोल सकते हैं मरास्मस। मरास्मस बीमारी जो होता है मुख्य रूप से ये प्रोटीन की कमी से होता है और मुख्य रूप से ये बच्चों के अंदर देखा जाता है। मरास्मस बीमारी होने का मुख्य कारण क्या है? प्रोटीन। बाल क्षय रोग इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ध्रुवों पर, ध्यान रखिएगा, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक होता है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोगों को करना पड़ेगा अंटार्कटिक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम लोग अगर बात कर लेते गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंड के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दो पिंड के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल का जो सिद्धांत दिया है, प्रतिपादक है, ये न्यूटन है। ध्यान रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिपादन किसने किया है? न्यूटन के द्वारा। वहीं पर हम लोग बात कर ले, गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर। और सबसे कम कहाँ पर होता है? तो विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। वहीं पर गुरुत्व त्वरण का मान जो होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पेनक्रियाज या अग्नाशय, इसके कारण क्या होता है शरीर के अंदर मधुमेह रोग होता है।
इसके प्रकोप के कारण। अगर हम लोग बात कर ले मधुमेह, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है मधुमेह, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है मधुमेह। और मधुमेह की रोग से जो शरीर का अंग प्रभावित होता है वो पैंक्रियाज और अग्नाशय या अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इबोला क्या है? तो इबोला एक वायरस जनित रोग है, ध्यान रखिएगा, इबोला वायरस जनित रोग, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है, यानी विटामिन कहाँ पर एकत्रित होता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यकृत के अंदर विटामिन संग्रहित रहता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात कर ले विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है, इसको भी ध्यान रखिएगा, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी, इसी का दूसरा नाम ब्लाइंडनेस भी है। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है, और विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है? गाजर में। विटामिन ए का अगर हम लोग बात कर ले रासायनिक नाम, तो रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 में है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से कौन सा रोग वाहक है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है मादा क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलेरिया रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मादा क्यूलेक्स मच्छर पूछा है। अगर आप लोग से पूछा जाए मादा एनिफिलीज, तो मादा एनिफिलीज जो होता है इसके कारण मलेरिया रोग होता है, मादा एनिफिलीज मच्छर को काटने से मलेरिया रोग होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया दोस्तों मादा मादा क्यूलेक्स मच्छर, और इस मच्छर को काटने से मनुष्य के अंदर फाइलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है? तो ध्यान रखिएगा, समान वायुमंडलीय दाब को समदाब रेखाएं प्रदर्शित करता है, इस तरह से 75 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो कच्छ के रण में गिरने वाली जो नदी है वो लूनी नदी है, ध्यान रखिएगा, लूनी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ, यानी थायराइड ग्रंथि जो है उसका स्थान कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, गला, गला थायराइड ग्रंथि का स्थान है। थायराइड ग्रंथि जो है दोस्तों, इसके बारे में जान लीजिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होगा वो NaCl है। अगर हम लोग बात कर लें सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इसी का दूसरा नाम है धोवन सोडा, ध्यान रखिएगा, धोवन सोडा, धोवन सोडा, धोवन सोडा, या इसी को बोल सकते हैं आप कपड़ा धोने का सोडा, और इसका जो रासायनिक सूत्र होगा Na2CO3 होगा, और जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का भी प्रयोग किया जाता है, जल की कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट को, Na2CO3 इसका रासायनिक सूत्र होगा। और हम लोग बात कर लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का अगर फार्मूला पूछे, सूत्र पूछे, तो CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का रंग निर्भर करता है, तारों का रंग जो निर्भर करता है उसके तापमान पर, इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तारे का रंग निर्भर करता है उसके तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के से थे? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग का संबंध अमेरिका से है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत किया गया है, हरित क्रांति की शुरुआत, विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा किया गया 1860 ईस्वी में, और हरित क्रांति की शुरुआत भारत में बात किया जाए दोस्तों तो ध्यान रखिएगा MS स्वामीनाथन, भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया? MS स्वामीनाथन के द्वारा 1867-68 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हम लोग दोस्तों, हरित क्रांति की शुरुआत विश्व स्तर पे 1960 ईस्वी में किया गया, ध्यान रखिएगा 1960 ईस्वी में, और भारत में जो शुरू किया गया 1967-68 ईस्वी में किया गया, ध्यान रखिएगा, विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू किया गया, और नॉर्मन बोरलॉग का संबंध अमेरिका से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति को जांचने के लिए होता है? तो कार्बोहाइड्रेट की जांचने के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है। तो इस तरह से 81 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद नंबर 17, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 14 जो है ये, तो ध्यान रखिएगा, समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14। अनुच्छेद नंबर 15 में है, किसी व्यक्ति को जाति, धर्म या लिंग या संप्रदाय के प्रति भेदभाव निषेध है, अनुच्छेद नंबर 15 के अंदर। अनुच्छेद नंबर 18 में उपाधियों का अंत है, अनुच्छेद नंबर 18 में उपाधियों का अंत है। वैसे ये जो प्रश्न पूछा गया था, छुआछूत का उन्मूलन, अनुच्छेद नंबर 17, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर इसका हम लोग बात करें सूत्र का, तो CaSO4 × ½ H2O, CaSO4 × ½ H2O कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है, इसकी गणना कब से की जाती है? यही पूछा गया, पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना से के तिथि से की जाती है, नहीं की जाती है, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। तो ध्यान रखिए यही सही है, ऑप्शन नंबर बी, पंचायत की जब पहली बैठक होती है तभी से 5 वर्षों की अवधि के लिए पंचायती राज का गठन किया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा से के संदर्भ में, ऑप्शन नंबर ए में है, मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के उत्तरदायी नहीं होते बल्कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। दूसरा है, विश्वास मत राज्यसभा में लाया जाता है। दोस्तों, विश्वास मत लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर नहीं लाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही है दोस्तों। इस तरह से प्रश्न नंबर ये प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, राष्ट्रीय प्रतीकों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई 2:3 होता है, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी में, राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरों की संख्या 24 होता है। तो राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरों की संख्या 24 होता है। तो इस तरह से ये मेरा सही हो जाएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। 87 नंबर, राष्ट्रीय प्रतीकों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों का कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई, इसका रेशियो होता है 3:2, 3:2। तो लंबाई दोस्तों कितना होता है? लंबाई 3 और चौड़ाई कितना है? 2। तो 2:3, ये तो ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय प्रतीकों कौन सा कथन सही नहीं है, ये वाला तो सही है। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, इसलिए कि राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरों की संख्या 24 होती है। और ऑप्शन नंबर डी में है, राष्ट्रीय ध्वज यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है, बजाने का पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकंड, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी जो है, राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया, जबकि यहाँ से नहीं लिया गया, ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कथन, ये सही नहीं है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आंसर ठीक हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन 88 नंबर में है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
1/6 से कम मत प्राप्त होता है तो वो अपना जमानत राशि खो देता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना ही हुआ था 1885 में और पहला अधिवेशन भी वहीं पर हुआ था। कहाँ पर? मुंबई के अंदर। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था, जबकि स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 91 है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिन बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ये 7 दिनों के बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाता है। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? 7 दिनों तक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1951-52 में प्रथम आम चुनाव कराए गए थे। 1951 और 52 में 1952। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो 90:10 यानी 9:1 के रेशियो में नरेगा योजनाओं का केंद्र और राज्य के बीच में खर्च किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्ध के कारण प्रभावित हुई थी? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है, 2 युद्ध, एक तो युद्ध 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच में हुआ था, दूसरा युद्ध 1965-66 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध के कारण प्रभावित हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो शासन काल था 1961-66 के बीच में रहा था, और यही तीसरी पंचवर्षीय योजना 2 युद्ध के कारण प्रभावित रहा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिहार में किसान सभा की स्थापना 1923 ईस्वी में सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नील दर्पण के रचनाकार दीनबंधु मित्र थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है, और इसी बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश में भारत में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का गठन किया गया। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का प्रावधान बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर किया गया है। और एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अशोक राय मेहता समिति के सिफारिश पे 2 स्तरीय ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार लोक भागीदारी था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 ईस्वी से खेल के प्रशिक्षकों को दिया जाता है, यानी कि खेल के कोच को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्रीड़ा प्रशिक्षण, खेल के प्रशिक्षक को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1985 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 नंबर, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्न में से किनसे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेजर ध्यानचंद, ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, और इन्हीं के जन्मदिवस पर प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 में है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार
रमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे। किस देश के थे? फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें हम लोग, तो इसकी शुरुआत 1957 ईस्वी को हुआ है। कब से? 1957 ईस्वी को। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 1957 ईस्वी को किया गया। फिलीपींस के राष्ट्र 7वें राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे, इसी के नाम पे रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। अगर हम लोग बात कर लें फिलीपींस, ये फिलीपींस देश की जो राजधानी है मनीला है। ध्यान रखिएगा, फिलीपींस देश की राजधानी कहाँ पर है? मनीला। दोस्तों अभी हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के लिए दिया गया, जिसके जिसको कि हम अपने YouTube चैनल पे पढ़ाए भी हैं, तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा जाके 2022 के अंदर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में पूरे डिटेल के साथ पढ़ाएं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 102 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वां शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? 22वां शीतकालीन ओलंपिक खेल जो आयोजन हुआ था वो रूस में हुआ था, और 22वां जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ था तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 2014 में हुआ था, और अब 2022 में भी शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग में किया जा चुका है। 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया? चीन की राजधानी बीजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले दोस्तों ये भी जान लीजिए, 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन जो 2026 में होगा, तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा इटली, इटली का शहर है मिलान, इसी मिलान में 2026 के अंदर 25वां शीतकालीन खेल का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर, सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सहारा रेगिस्तान जो है वो अफ्रीका के अंदर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सहारा रेगिस्तान के बारे में हम लोग जानना चाहे, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान एशिया में, अफ्रीका में है। और हम लोग बात कर ले एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी है। जो गोबी है दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये मंगोलिया में, गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? मंगोलिया में। एशिया का, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार जो राजस्थान के अंदर है। वैसे ये सहारा से संबंधित था, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में? ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 में है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, डूरंड कप ये फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 में है दोस्तों, वर्ष 2014 के नोबेल पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, मलाला यूसुफ जई और कैलाश सत्यार्थी को 2014 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हम लोग बात कर ले 2022 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बियालियात्स्की, और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल, और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को प्रदान किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार के विजेता तीन हैं, एक तो व्यक्ति है, दो संगठन है। अब प्रश्न में जो पूछा गया था 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार, तो ऑप्शन नंबर सी मलाला यूसुफ जई और कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिहू जो है असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, असम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, पेरू की राजधानी कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, पेरू की राजधानी लीमा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, आप चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र यूक्रेन के अंदर है, और 1986 ईस्वी में इसको बंद किया गया था, और हाल ही में इसको चालू भी फिर से दोबारा कर दिया गया था। इस तरह से ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 108 का 108 चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र जो बंद है कहाँ स्थित है? यूक्रेन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 109 है, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है, जापान की मुद्रा क्या है? येन। और जापान का
जापान की जो संसद है इसका नाम है डायट, इसको भी ध्यान रखिएगा, जापान की संसद का नाम डायट है। निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया था? तो नीलोफोर, ये जो चक्रवात है, इस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया था। बाद बाकी हुदहुद, हेलेन और लहर, इस तीनों ने पूर्वी तट को प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो ध्यान रखिएगा, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक की रचना सुखवंत सिंह ने किया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत एक खोज लिखा गया। इसी का दूसरा नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहाँ पर लिखा गया? तो ये भी ध्यान रखिएगा, अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो घनत्व होता है वो सर्वाधिक होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन जो हुआ 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल अंग की कितने हैं? 6 अंग हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 117 है, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत की आज़ादी के समय भारत का जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118 में कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? ए ओ ह्यूम, इसी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। कहाँ पर स्थापना हुआ था? तो मुंबई के अंदर, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम एक ICS अधिकारी थे। 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना मुंबई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, 119 नंबर है, म्यांमार की राजधानी कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, म्यांमार की जो राजधानी है नेपी दाव है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नेपी दाव म्यांमार की राजधानी है। और अगर हम लोग बात करें म्यांमार की जो करेंसी है वो क्यात है। क्या है? क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, तमस उपन्यास के जो लेखक है भीष्म सहनी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, वर्ष 2013-14, ये 13-14 का है लेकिन 2021-22 में रणजी ट्रॉफी का खेल का आयोजन हो भी चुका है 21-22 में। तो अब आप लोगों से जो पूछा जाएगा 21-22 का पूछा जाएगा, इसलिए 21-22 का आप लोग जान लीजिए। 21-22 में रणजी ट्रॉफी के जो विजेता है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी 21-22 के ये विजेता है। किसको हरा के जीता? तो ये भी ध्यान रखेगा, मुंबई को हरा के मध्य प्रदेश ने 2021-22 का रणजी ट्रॉफी का विजेता बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। क्लेमेंट एटली, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्तमान समय में RBI के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इसको ध्यान रखिएगा, शक्तिकांत दास। वर्तमान समय में RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। हम लोग बात कर ले RBI के पहले गवर्नर, RBI के पहले गवर्नर जो थे वो ओस्वर्न स्मिथ थे। ध्यान रखिएगा, ओस्वर्न स्मिथ, और ओस्वर्न स्मिथ एक अंग्रेज थे। जबकि एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के यानी कि भारत के RBI के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, RBI के पहले भारतीय गवर्नर जनरल CD देशमुख थे। CD देशमुख,
आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, आरबीआई के पहले गवर्नर ओसवर्न स्मिथ और वर्तमान समय में आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय में रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। हम लोग बात कर ले राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी जो पहली बार गठन किया गया था 1992 ईस्वी में। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग का पहली बार गठन 1992 ईस्वी में किया गया और वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था, जबकि इसी समझौते का उल्लंघन चीन ने 1962 ईस्वी में किया था। यानी चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1962 ईस्वी में, और इसी पंचशील का उल्लंघन किया था। तो प्रश्न है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक M.S. स्वामीनाथन है। दोस्तों, इसी M.S. स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में किया है, जबकि पीछे हम आप लोगों को बता चुके विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। विश्व में नॉर्मन बोरलॉग, और नॉर्मन बोरलॉग का संबंध अमेरिका से है, और उन्होंने अमेरिका में 1960 के आसपास के समय में हरित क्रांति की शुरुआत किया था। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा है वो गेहूं के फसल पर पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर, आंग सान सू की जो NLD की नेत्री है, किस देश से संबंध रखती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो म्यांमार से संबंध रखती है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 में है, महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच पुनः संधि कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पुणे के यरवदा जेल में पुनः समझौता हुआ था, 1932, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी संधि के बाद महात्मा गांधी ने हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 129 नंबर, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान जो शेर के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों, ये गुजरात के अंदर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में है। किस लिए प्रसिद्ध है? शेरों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा ये त्रावणकोर रियासत से जुड़े थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर में है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम स्थल अमरकंटक में है? सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। दोस्तों, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, सोनम अमर है। देखिए, सो से हो जाएगा ये सोन नदी, सो से क्या हो जाएगा? सोन नदी, और नम से हो जाएगा ये नर्मदा नदी, नम से क्या होगा? नर्मदा नदी। ये सोन नदी और नर्मदा नदी दोनों का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। तो इस तरह से बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम स्थल अमरकंटक में? सोन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो ह्वेनसांग, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, और इसी ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ह्वेनसांग की बात करें, इसी ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा जिसका नाम है सी यू की। ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक के बारे में पूछा जाता है, सी यू की नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? ह्वेनसांग भारत में किसके दरबार में आए थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया? तो पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस द्वारा पारित जो किया गया था, ये 26 जनवरी 1930 ईस्वी को लाहौर में रावी नदी के किनारे पारित किया गया था, और इसी दिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही लाहौर के अंदर रावी नदी के किनारे
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर सभी कांग्रेसियों को पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित कर दिया गया था। तो इस तरह से पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1930 लाहौर। किसके द्वारा ध्वज फहराया गया था, तो ध्यान रखिएगा JL नेहरू। तो इस तरह से दोस्तों हम आप लोगों को जो CGL का यानी कि बिहार SSC के द्वारा सचिवालय सहायक के द्वारा PT परीक्षा द्वितीय स्नातक स्तर का था, प्रमुख GK GS का जो प्रश्न ओरिजिनल क्वेश्चन था, उसको हम पूरे डिटेल के साथ आप लोगों को बताने का प्रयास किए हैं। हमें उम्मीद है कि ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों को इस क्लास के बारे में ज़रूर बताइए ताकि उनको भी इस तरह का वीडियो मिल सके। तो आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में फिर से अगली नए क्लास में आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।